हेलो दोस्तों, देखिए ये एक्सेल 100 है, इसमें केक का प्रॉब्लम है। केक वापस नहीं जा रही है, देखिए ये रिटर्न नहीं हो रही, नीचे को गिरी रह जाती है। इसके स्प्रिंग का प्रॉब्लम है, मैं इसको लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ। चलिए इसको खोल रहा हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों प्लीज़। वीडियो में बने रहे, वीडियो एंड तक देखें। ये देखिए निकल गया है, एक ये लॉक रहता है, ये लॉक इसको निकाल लेना आसानी से। ये निकल गया है, ये इसके ऊपर से एक ये वार्सल रहता है, उसके बाद एक ये बुश है, प्लास्टिक का बुश रहता है। ये देखिए ये स्प्रिंग ख़राब हुई है, और ये देखिए ये बुश है। चलिए नई स्प्रिंग लगाता हूँ मैं, ओरिजिनल स्प्रिंग है ये, TVS कंपनी की। जब भी इसे लगाएं ओरिजिनल ही लगाएं, क्योंकि ओरिजिनल ही सस्ती पड़ती है, लोकल महंगी पड़ती है दोस्तों। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़ भाइयों। चलिए इसको इसमें लगा देना है, ये खांचे में बैठ गया, ये देखिए। उसके बाद ये बुश आएगा, बुश भी लग गया है। उसके बाद एक पेचकस की मदद से इसको जो है स्प्रिंग ये खूंटी में बिठा देना, ये बैठ गया है। उसके बाद एक ये वार्सल लगेगा, वार्सल के बाद फिर ये लॉक लगेगा। वीडियो में बने रहें दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। उसके बाद ये कैप लगा देना इसके ऊपर, ये स्क्वायर पेच है, इसको भी लगा देना अच्छे से, इसको टाइट कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। इसको लॉक कर दीजिए पुलर की मदद से, ताकि ये खुले ना। चलिए इसको टाइट कर दिया अच्छे से मैंने, कीक लगा के देखता हूँ अब सही हुई कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुके भाइयों, ये वापस हो रही तुरंत, ये रिटर्न जा रही। देखिए ये हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़ भाइयों। थैंक फॉर वॉचिंग।